मैंने इंडस्ट्रीज की एक वीडियो बना के अपलोड की थी आपके लिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उसका, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं आप सबके। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर का अगला हिस्सा, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा की मस्जिदें। इसमें से एक जो क्वेश्चन आ जाता है साहब, एक एक क्वेश्चन तो मान के चलिए निश्चित रूप से आपके पेपर में आएगा। बहुत थोड़ी सी मस्जिदें हैं हरियाणा में, जैसे कि आप देख रहे हैं 13 मस्जिदें हैं, इसमें से 10 मस्जिदें ऐसी हैं जो बड़ी हैं, बाकी सारी 3 इधर देख रहे हैं आप, ये छोटी सी हैं, चौमा, अंजुमन, जामा। तो ये नाम तो आप आसानी से आप नोट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है एक बार कि हरियाणा में अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हरियाणा में हिंदू बहुल क्षेत्र है, उसके बावजूद भी मस्जिदें कैसे हैं। तो इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा बैक में आना पड़ेगा इतिहास में, क्योंकि साहब हरियाणा का जो इतिहास है वो दिल्ली के साथ साथ बनता और बिगड़ता रहा है, और दिल्ली अलग 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 गुलाम वंशों के समय में या अलग अलग मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में रही है। जैसे अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है गुलाम वंश के साथ, उसके बाद आ जाता है खिलजी वंश, ये वो आपके वंश हैं जिन्होंने दिल्ली पर अलग अलग समय में राज किया है। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, और लास्ट में आपका लोधी वंश है। तो ये दो वंश तो ये हो गए। लोधी वंश की समाप्ति के बाद फिर आता है आपका मुगल वंश। तो हरियाणा में मुख्य रूप से जो मस्जिदें आपको मिलेंगी वो इन 3 वंशों द्वारा बनाई गई हुई मिलेंगी, कुछ गुलाम वंश के शासकों द्वारा मिलेंगी बनाई हुई, कुछ खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी भी हरियाणा में एक मस्जिद का निर्माण करते हुए मिलेंगे, कुछ आपको मुगल वंश के समय में जो है मस्जिदें वो बनती हुई आपको दिखाई देंगी। तो कहने का मतलब है कि जितने भी मस्जिदें आप यहाँ देख रहे हैं हरियाणा में, वो सारी की सारी किसी न किसी मुगल शासक द्वारा बनाई गई हैं, या किसी मुगल या किसी मुसलमान सरदार के द्वारा वो बनाई गई हैं। ये सारी मस्जिदें हैं जो हरियाणा में आपकी स्थित हैं। अलग अलग परीक्षाओं में, अलग अलग पेपरों में इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आपको ये जानना आवश्यक है, इनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है लोकेशन बेस आता है, लोकेशन कौन सी मस्जिद कहाँ है, उसको समझने का बहुत बेहतरीन तरीका है। ऊपर वाली 3 तो एक साथ रोहतक में है, दीनी, लाल और शीशे वाली, तीनों रोहतक में। इधर 4, 3 ये और एक ये 4, सराय अलीवर्दी, चौमा, अंजुमन, जामा, ये चारों आपके गुरुग्राम में है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सराय अलीवर्दी जो लिखा हुआ है, ये गुरुग्राम के एक गाँव का नाम है जिसके अंदर ये मस्जिद आपकी स्थित है। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, और थोड़ा ये भी जान लीजिए कि कुल जो जनसंख्या है हमारी 2,53,51,462 हरियाणा की कुल जनसंख्या है, इस जनसंख्या का 7.09% ये मुस्लिम्स हैं हरियाणा में। यानी कि हिंदुओं के बाद जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो मुस्लिम्स की है, और सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो वो बौद्ध और पारसियों की है। तो इस तरीके से इतनी जनसंख्या होने के बावजूद हरियाणा में ये आपकी मस्जिद हैं। तो एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं, आप नोट करें जल्दी से इन्हें। चलिए मिलवाता हूँ आपको 2 मस्जिदों से। सबसे पहले लिखा हुआ है दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद के बारे में बहुत ही क्रूशियल जानकारी है, औरंगज़ेब भाई साहब ने बनवाई थी, मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह जो सबसे शक्तिशाली था। यूं तो हरियाणा की हिस्ट्री में सबसे अंतिम बादशाह जो मुग़लों का कहा जाता है उनका नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि शायर थे बहुत पहुँचे हुए। तो दीनी मस्जिद औरंगज़ेब ने बनवाई थी, रोहतक में है। अगर औरंगज़ेब ने बनवाई है तो ज़रूर कोई ना कोई कबाड़े करके बनवाई होगी, क्योंकि ये सबसे कट्टर शासकों में से एक था। तो साहब दीनी मस्जिद को दरअसल एक नाम से और भी जाना जाता है, इसको महावीर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। एक पहले महावीर मंदिर होता था, उसको तुड़वा कर ये मस्जिद बनवाई गई है। 47 के बाद इस मस्जिद को दोबारा मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जानकारी आप नोट कर सकते हैं, ओके। लाल मस्जिद, लाल मस्जिद भी रोहतक में है, भिवानी स्टैंड पर है, 1939 में बनवाई गई। आशिक अली, इनका एक नाम आसिफ अली भी है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और लाल मस्जिद है तो साहब लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, अंबाला में सबसे ज़्यादा मिलता है, हरियाणा में, ये भी नोट कर लें आप। इसका चबूतरा 10 फीट ऊंचा है,
ये अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आए तो आप इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो दो के बारे में नोट करें जल्दी से, बाकी फिर बाकियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए मिलवाता हूँ आपको शीशे वाली मस्जिद, शीशा यानी कि कांच वाली मस्जिद भी कहते हैं इसको। बहुत सिंपल सी जानकारी है और HSSC के क्लर्क वाले पेपर में भी ये आई है। अगला क्वेश्चन, शीशे वाली मस्जिद किस पत्थर से बनी है? संगमरमर। एक और चीज़, काजे की मस्जिद भी किससे बनी है? सफ़ेद पत्थर से। याद रखिएगा, हरियाणा के निकट जो सबसे जगह है जहाँ से पत्थर प्राप्त होता है वो है मरकाना, राजस्थान में पड़ता है, है ना। ताजमहल भी इसी प्रकार के पत्थर से बना हुआ है। तो अगर पूछा जाता है कि शीशे वाली मस्जिद को संगमरमर का पत्थर लगाकर बनाया गया, ये पत्थर कहाँ से लाया गया? मकराना से लाया गया है, ओके। ताजमहल भी इसी जगह से लाए गए पत्थर से बनाया गया था। तो शीशे वाली मस्जिद, इसमें इसको शीशे वाली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शीशे का प्रयोग करके इसमें नक्काशी की गई है, इसमें सजावट आपकी की गई है। पेंटिंग जैसे होती है वैसे शीशे लगा के इसमें जो है साफ सुथरा इसको रखा गया है। शीशे वाली मस्जिद के बाद रोहतक की तीनों मस्जिदें यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं, आप नोट करेंगे। इसके बाद मैं आपको मिलवाता हूँ काजी की मस्जिद। काजी दरअसल इस काजी साहब ने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए इसको काजी की मस्जिद कहते हैं। दुजाना झज्जर में पड़ता है। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दुजाना कई सारी बुक्स में आपको मिलेगा रोहतक में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये झज्जर में पड़ता है। रोहतक से जो आपका झज्जर वाला मार्ग है जिसमें बेरी, डिगल, दुजाना ये सारे गांव आते हैं, मैना भी उसी पे आता है आपका, ठीक है। और एक रागनी कलाकार भी हैं दुजाना से, सुनील दुजानिया, जिसकी हाल ही में अभी डेथ हुई है, तो याद रखेंगे हरियाणा के रागनी कलाकार सुनील दुजानिया ये कहाँ से थे? दुजाना गाँव झज्जर से। तो इसकी खास बात ये है काजी की मस्जिद की कि इसमें जो सीढ़ियाँ हैं वो कुतुब मीनार की तरह ऐसे हैं, मतलब यूँ गोल गोल घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। कुतुब मीनार आप जानते हैं दिल्ली में है, बहुत प्राचीन जगह है, मुगल वंश से जुड़ी हुई इमारत है, सफ़ेद पत्थर से निर्मित है। और साहब यहाँ पर चादरें भी चढ़ाई जाती हैं, ये भी याद रखिएगा। तो झज्जर में आपकी एक मस्जिद है। उसके बाद चलते हैं काबुली बाग पानीपत। क्लास पानीपत जो है, पानीपत हरियाणा के इतिहास में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि पानीपत का याद आते ही मुझे याद आता है प्रथम पानीपत युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध ये हम मुझे याद आता है। और इस युद्ध में एक भाई साहब थे बाबर, मुगल वंश के संस्थापक। बाबर की एक मैडम थी बेगम मुसम्मत काबुली, तो बाबर को शौक था बाग बगीचे लगवाने का जगह जगह पर। तो बाबर ने भारत में फतेह करने के बाद इस शौक को जारी रखा और काबुली नाम से एक बाग बनवाया अपनी बेगम की याद में, बागुली काबुली बाग। पेपर में आता है कि काबुली बाग कहाँ है, बेझिझक आप ठोकिएगा पानीपत में है। तो काबुली मैडम की याद में ये काबुली बाग मस्जिद जो है आपकी बनवाई गई है। दरअसल में कि ये बाग था पहले, बाद में ये मस्जिद के रूप में कन्वर्ट हुआ है। बाबर के बाद मुगल वंश में शासन आ जाता है हुमायूं का, और हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन और आता है कि किस हरियाणा की मस्जिद में हुमायूं ने चबूतरे का निर्माण करवाया है? सही आंसर है काबुली बाग मस्जिद में। तो काबुली बाग जो मस्जिद है ये बनवाई तो बाबर ने है, लेकिन इसमें जो चबूतरा है उस चबूतरे का निर्माण करवाया हुमायूं ने है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ है आपका, आपसे पूछा जाता है कि सलारगंज गेट कहाँ है? सलारगंज गेट पानीपत। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में किस मकबरे को हटाकर दोबारा बनाया गया है, जो कि हाईवे नंबर 44 को हटाकर को ठीक करने के लिए हटाया गया था, वो है इब्राहिम लोदी का मकबरा। तो जानकारी आप नोट करेंगे। आपकी बाकी की पांच मस्जिदें रह गई हैं, काबुली बाग भी हमने पढ़ ली अच्छे से, इसको भी हटा देते हैं, पांच मस्जिदें रह गई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं रेड लाल मस्जिद की तरफ। चलिए जल्दी से आपको मिलवाता हूँ
रेड ब्रैकेट में लाल मस्जिद। देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ से, एक लाल मस्जिद हमने रोहतक में भी देखी है ना, और एक ये है। तो अगर वो अगर पेपर में आता है लिखा हुआ है कि लाल मस्जिद कहाँ है तो रोहतक टिक करेंगे, और अगर ये लिखा हुआ है कि रेड ब्रैकेट में लाल मस्जिद है कहाँ है तो रेवाड़ी में। ठीक है, इसके बारे में 1570 के आसपास ये बनाई गई है, अकबर के शासनकाल में ये बनाई गई है, क्योंकि 1570 में भारत में मुगलों का शासन था। सराय अलीवर्दी, सराय अलीवर्दी जैसे मैंने बताया गुरुग्राम के गांव का नाम है, तो वहाँ पर ये है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये मस्जिद आपके बनाई गई है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित शासक था, जिसके ऊपर आपकी वो पद्मावत फिल्म आई थी, आपको याद होगा, रानी पद्मावती के साथ जिनका विवाद था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये वो पहला आदमी है जिसने एक स्थायी सेना बनाई, परमानेंट मिलिट्री, उनको परमानेंट वेतन देता था, उनकी ड्रेस रखता था, घोड़े रखता था, घोड़ों का एक नंबर देता था, जैसे गांव में पंचायती सांड होता है उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है APQS ऐसे। तो एक ऐसा राजा जिसको स्थायी सेना बनानी हो, वेतन स्थायी करना हो, तो स्वाभाविक है उसको टैक्स सिस्टम को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, बाजार को भी नियंत्रित करना पड़ेगा, और माप तोल के तरीकों को भी रेगुलर करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी जिसने ठीक किया था। व्यापारी जो गड़बड़ करते थे उसको रोकने के लिए उसने फरमान जारी किया था कि जो व्यापारी गड़बड़ करता पाया गया उसके शरीर के कूले यहाँ से उतना ही मांस काट के निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये वही शासक है जिसने फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो सरकारी राशन की दुकानें इसी के शासनकाल में शुरू हुई हैं, ये भी आप नोट करेंगे। लाट की मस्जिद साहब हिसार फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक बसाया गया शहर है, 1354 में बसाया गया। तो वहाँ पर एक गुजरी महल है बस स्टैंड के ठीक सामने, उसके अंदर ये लाट की मस्जिद है जिसको इबादत खाना भी कहते हैं। गुजरी इनकी एक वाइफ थी जिनसे इनको प्यार हो गया था, बाद में शादी कर ली इन्होंने। ठीक है, तो पूछा जाता है कि हिसार का वास्तविक नाम क्या है। हिसार का वास्तविक नाम साहब हिसार फिरोज़ा, ये ऐसा नाम इसका कहा जाता है जो फारसी में जिसका मतलब होता है किला। किला अगर इंटरव्यू में आप जा रहे हैं HSSC के किसी भी में तो याद रखिएगा हिसार फिरोज़ा का मतलब होता है किला, या फिरोज का किला, या फिर हिसार का मतलब है किला। हुमायूं, ये फतेहाबाद में है, बहुत ही ज़्यादा खंडर हो चुकी है ये वाली मस्जिद। हुमायूं भारत को छोड़कर जब जा रहा था फतेहाबाद से, इसी रास्ते से होके गया था, तो ये भी याद रखिएगा हुमायूं। लास्ट है रंगशाह मस्जिद, ये भिवानी में है साहब। इसके बारे में नाम जो दिया हुआ है रंगशाह, ये दरअसल एक व्यापारी का नाम है, एक सरदार का नाम है, मुसलमान सरदार, उसने ये मस्जिद जो है बनवाई थी, तो इसको रंगशाह नामक मुस्लिम सरदार ने बनवाया था। इसको व्यापारी मस्जिद भी कहते हैं, छोटी मस्जिद भी कहते हैं। और इस मस्जिद की एक खास बात यह है कि इसमें लकड़ी की नक्काशी की गई है, इसलिए इसको लकड़ी की काश्तकारी मस्जिद भी कहते हैं, या लकड़ी की छोटी मस्जिद भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथियों, मेरे छात्रों, छात्राओं, ये हरियाणा की बिल्डिंग्स हैं जिनको हम मस्जिदों के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तक बहुत सटीक जानकारी मैं पहुँचा पाया हूँगा। आप अच्छे से जानकारियाँ नोट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ से कि हरियाणा में किस मस्जिद को अदीना मस्जिद कहते हैं। हरियाणा में किस मस्जिद को अदीना मस्जिद कहते हैं और ये कहाँ है, ये आप जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप नहीं बता पाए तो मैं इसका आंसर आपको दूंगा। ओके, थैंक यू, एंजॉय दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।